हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलवान विनेश फोगाट की उम्मीदवारी के बाद सुर्खियों में आई जुलाना सीट का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। जी हां, बीजेपी द्वारा पूर्व पायलट योगेश बैरागी को उतारने के बाद आपने WWE महिला रेसलर कविता दलाल पर दांव खेल दिया है। कविता दलाल कुछ समय पहले आप में शामिल हुई थी, यानी कि आप पार्टी में वो शामिल हुई थी कुछ टाइम पहले ही। जिन जिले की रहने वाली बागपत के विजयवाड़ा में गांव की बहू हैं। कविता दलाल WWE में भारत की प्रथम महिला रेसलर भी है। कविता देवी दलाल 5 भाई बहनों में से एक है। वे हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना तहसील के मालवी गांव से आती हैं। उनका जन्म इसी गांव में हुआ था। ऐसे में वे जुलाना और जिंद की बेटी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के बागपत की बहू भी है। कविता की शादी 2009 में हुई थी। उन्होंने 2010 में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वे खेल छोड़ना चाहती थी, लेकिन अपने पति से प्रेरित होकर उन्होंने खेलना जारी रखा। कविता ने पिछले दिनों सूट सलवार में रेसलिंग करके सुर्खियां बटोरी थी। जिंद जिले में आने वाली सीट से कांग्रेस ने विनेश फोगाट, बीजेपी ने पूर्व कैप्टन योगेश बैरागी और JJP ने अपने मौजूदा विधायक अमरजीत सिंह को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को टिकट दे दिया। अब जुलाना की जो लड़ाई है उसमें दो महिला पहलवान के साथ पूर्व पायलट और एक बार के विधायक अमरजीत सिंह मैदान में मौजूद है। जिन जिले की सीट पर बीजेपी को कभी भी जीत नहीं मिली, ये बड़ा पॉइंट वहां से है। कांग्रेस इस सीट पर 2005 में जीती थी। तो ऐसे में यहाँ का जो समीकरण है अपने आप में बेहद पेचीदा है। और उसके बाद में जो नए उम्मीदवार यहाँ से आए हैं उन्होंने इस यहाँ की पूरी सियासत को और गर्मा दिया है। अब ऐसे में यहाँ क्या कुछ होता है, आगे प्रचार किस प्रकार से होता है और आखिरकार जीत किसको मिलती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यह मुकाबला फिलहाल दिलचस्प नजर आ रहा है। नमस्कार।